मॉर्निंग बच्चों, नाउ वी स्टडी अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन विच वी डिस्क्राइब द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या था इसका वो देखिए. एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. इसमें उन्होंने डाल्टन्स ने क्या कहा अपन को कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल हैं, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स में एटम को उस एटम से छोटा पार्टिकल्स डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ऐसा उनका कहना था. विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट और डिस्ट्रॉयड, ना तो अपन इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स के बाद अपन आते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स पे. थर्ड पोस्टुलेट्स में उन्होंने अपन को बताया कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं उसका शेप जो है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब एक ही तरह के शेप होते हैं सभी का, मास भी सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसके सेम होते हैं, ये डाल्टन्स का कहना था. ठीक है, फिर अपन उसके फोर्थ पोस्टुलेट्स पे आते हैं. तो फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. एटम्स के बारे में उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट्स में कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसके डिफरेंट होते हैं एटम्स के अंदर. ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स के अंदर अपन को बताया कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट्स में बताया कि एटम्स जो है वो कंबाइन जो करते हैं वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब एक छोटे से होल प्रोपोर्शंस के टर्म्स में ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. ठीक है, सिक्स पोस्टुलेट्स में डाल्टन्स ने अपन को बताया कि द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ अ गिवन कंपाउंड. मतलब कि रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, जैसे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो उसका एक रिलेटिव नंबर्स भी होने जरूरी हैं और काइंड्स ऑफ एटम्स जो हैं वो वही अपन को कांस्टेंट एंड किसी भी कंपाउंड के अंदर वो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अंदर या कांस्टेंट रहते हैं. तो ये टोटल अपन को छः पोस्टुलेट्स थे. इसमें फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अंदर बताया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसी सबसे मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम होता है. ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट था. सेकंड में कहा कि ये इंडिविजिबल होते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. थर्ड में उन्होंने बताया कि ये आइडेंटिकल होते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में. फोर्थ में उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस होते हैं और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी. ठीक है, फिफ्थ में उन्होंने बताया कि एटम्स कंबाइन करते हैं सेम रेशियो के अंदर होल नंबर्स, एक स्मॉल होल नंबर्स के फॉर्म में ये कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. सिक्स पोस्टुलेट्स के अंदर अपन को बताया कि इसके जो रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए. ठीक है, ये इनके टोटल छः पोस्टुलेट्स थे इनके. इन छः पोस्टुलेट्स को बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको लर्न करके रखना है आप लोगों को. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अपन आते हैं कि हाउ बिग आर एटम. एटम को अपन बिग कैसे कहते हैं, हाउ बिग आर एटम्स. तो इसमें अपन को अब यहाँ पे क्या कहता है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स. ठीक है, जिसमें अपन यहाँ पे देख रखा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ अपन मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, बहुत छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, इसके बीच का माइक्रोस्कोपिक लेंथ होता है बिल्कुल छोटा सा, इसीलिए उसको नैनोमीटर्स में मेजरमेंट किया जाता है और उसको अपन यहाँ पे कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर्स, दैट इज़ 1/10^9 मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, जिसमें 1 अगर मीटर के हैं तो 10^-9 नैनोमीटर के बराबर हो जाएंगे. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल अपन को रेडियाई के लिए अपन को यहाँ पे शो कर रखा है. ठीक है, उसके बाद अपन को यहाँ पे कह रखा है नेक्स्ट जो टॉपिक है कह रहा है व्हाट आर द मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड डिफिनिट एलिमेंट्स. ठीक है, इसके अंदर अपन को डाल्टन्स ने कहा कि डाल्टन्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू वॉच द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में बताया, जैसे हाइड्रोजन का देखो ये डॉट आ गया. ठीक है, कार्बन के लिए अपन ये सिंबल देते हैं. ठीक
ठीक है, इस तरह से अपन को मोर बहुत सारे एटम्स के बारे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद अपन को फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब का पहले क्या होता था, एक्चुअल में एलिमेंट ही बहुत कम हुआ मिला करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले सिंबल से इसका रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो बिगनिंग में उन्होंने क्या किया कि उसका नेम्स एलिमेंट्स वेयर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, ठीक है, उसके अंदर अपन को बताया कि प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल द जैसे नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम क्रैप्स, सम सेम नेम वेयर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है टेकन एज द इंग्लैंड वर्ल्ड मीनिंग येलो, है ना। तो इन सब चीज़ों को अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है, और इसी में आगे अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म अपन को याद रहना चाहिए, IUPAC है लिखा हुआ है ना बच्चों। तो इसमें अपन इसको कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को IUPAC कहते हैं, IUPAC के नाम से भी इसको कहते हैं, IUPAC है ना। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड, सी मतलब केमिस्ट्री, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। एक इंटरनेशनल साइंटिफिक जो है ऑर्गेनाइजेशन मिल करके एक अप्रूवल्स बनाया, जितने भी एलिमेंट्स उसके सिंबल्स इन सब को अपन को मिला करके उसके लेटर्स के फर्स्ट नेम इन इंग्लिश में उसको लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला लेटर H होता है, तो उसके लिए अपन वो H से रिप्रेजेंट कर दिए। एल्युमिनियम है, उसका Al फर्स्ट लेटर होता है, इसीलिए उसको Al कह दिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, कोबाल्ट, ठीक है, CO हो गया, है ना। इस तरह से अपन आए उसके नाम के फर्स्ट लेटर के थ्रू अपन उसको